नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से यदि हम अपने घर में और कमरे को डेकोरेट करते हैं तो हमारे घर में समृद्धि आती है। लेकिन समृद्धि को लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे घर का पार्ट होता है तिजोरी, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं या फिर हमारी सैलरी आती है तो उस सैलरी का हिस्सा हम तिजोरी में रख देते हैं ताकि वह फले और जिसकी वजह से हमारे घर में कभी भी समृद्धि और पैसों की कमी ना हो। तो लेकिन तिजोरी को हम किस दिशा में रखें, किस वास्तुशास्त्र के हिसाब से चलें कि आपके घर में तिजोरी हमेशा भरी रहे, तो आज मैं बताती हूँ आपको तिजोरी किस दिशा में रखनी चाहिए और किस प्रकार से रखनी चाहिए जिससे कि आपके घर में कभी पैसों की कमी और समृद्धि की कमी नहीं होगी। पर एक, तो आप अपने घर में तिजोरी की दिशा दक्षिण और पश्चिम में ही रखें क्योंकि कुबेर की दिशा वही मानी जाती है। यदि आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो आप इसी दिशा में अपनी तिजोरी को रखें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी हमेशा मालामाल रहेगी और आपके घर में समृद्धि भी हमेशा बनी रहेगी। नंबर दो, तिजोरी रखने के लिए हम खास कर देख रहे हैं कि अलमारी के कई हिस्से होते हैं, उन हिस्सों में से आपको तिजोरी ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां पर आपके घर में समृद्धि हमेशा रहे। यदि आप तिजोरी बनाने के लिए अलमारी का सबसे ऊपर का फ्लोर लेंगे तो वह सबसे बेकार है। आप बीच का भी ना लें लेकिन सबसे बॉटम का भी ना लें। आप ऐसा फ्लोर लें जो पहले से दूसरा, यानी कि पहले से दूसरा वाला जो पार्ट है वह हमेशा यूज़ करें तिजोरी के लिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में हमेशा समृद्धि रहेगी। यदि आप तिजोरी बीच वाले खाने यानी बॉटम में बनाते हैं तो उससे आपके घर में और व्यवसाय में, बिजनेस में हमेशा नुकसान रहता है और आर्थिक की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ भी आती हैं। तो आप कोशिश करें कि तिजोरी को आप फर्स्ट से सेकेंड फ्लोर पर ही बनाएं। नंबर तीन, तिजोरी के बिल्कुल ठीक सामने कभी भी आईना ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप जब भी अलमारी को खोलेंगे और तिजोरी का इफेक्ट देखेंगे तो आपको हमेशा अपना धन दोगुना नजर आएगा और जिसकी वजह से आपके जीवन में समृद्धि कम होगी, बढ़ेगी नहीं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने तिजोरी के ठीक फ्रंट पर कभी भी आईना ना लगाएं, क्योंकि आईना लगाने से आप अपने ही धन में कमी करोगे। नंबर चार, उत्तर पूर्व दिशा की हमेशा कोनों की सफाई करें और अपने उत्तर दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। जितना स्वच्छता आपका उत्तर और पूर्व दिशा होगी आपके जीवन में भी उतनी ही शिथिलता आएगी और शिथिलता के साथ साथ आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। इसलिए यदि आप उत्तर और पूर्व दिशा में बैठते हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उत्तर और पूर्व दिशा ही चुनें। लेकिन उसके साथ साथ आप खास ख्याल रखें कि कोई भी भारी मशीन ना रखें, क्योंकि जितनी भारी आप मशीन रखोगे वह आपके जीवन पर और आपकी तिजोरी पर भारी पड़ेगी और आपके धन में हमेशा कमी आएगी। तो आप कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में अगर यह व्यवसाय खोल भी रहे हैं तो आपकी तिजोरी में हमेशा नुकसान होगा। तो आप इसलिए खास ख्याल रखें कि आप उस दिशा में कोई भी भारी सामान ना रखें जिससे कि आपकी तिजोरी पर कोई भी इफेक्ट पड़े। नंबर पाँच, छत बनाते समय भी खास ख्याल रखें, क्योंकि जब भी आप अपने कमरे की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जो छत होती है वह हमेशा दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल देनी चाहिए जिससे कि आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि आप उत्तर दिशा को हमेशा थोड़ा ऊंचा रखें, क्योंकि यदि आपके छत की उत्तर दिशा में जो छत का हिस्सा है वह थोड़ा सा ऊँचा होगा तो आपके जीवन में पद भी ऊंचा रहेगा और आपके जीवन में समृद्धि और धन के ज़्यादा लाभ होंगे और कुबेर भी आपके धन पर हमेशा विराजमान रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि हमेशा रहे तो आप इन दिशाओं के अनुसार अपने घर में तिजोरी की व्यवस्था करें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी और आप मालामाल रहेंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।